प्यार के किस्से तो आपने कई सुने होंगे, लेकिन रीवा जिले के हनुमना थाना अंतर्गत एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें पहले तो युवक ने लड़की को प्रेम जाल में फंसाया, इसके बाद प्रेमी ने ही उसे राजस्थान में भेज दिया। बताया जा रहा है कि रीवा जिले के हनुमान थाना अंतर्गत भुवरी गांव की रहने वाली लड़की अपने ही गांव के एक लड़के से 3 साल से प्यार करती थी और लड़के ने लड़की को कई सपने दिखाए। इसके बाद दिसंबर 2021 को प्रेमिका को हनुमना से भोपाल लेकर लड़का चला गया। लड़के ने 10 दिन भोपाल में लड़की को रखा, इसके बाद राजस्थान के एक युवक को भेज दिया। खरीदने वाला युवक राजस्थान के चुरू जिले का रहने वाला है। प्रेमी युवक ने युवती को 1,80,000 में बेच दिया था। हनुमना पुलिस ने मामला पंजीबद्ध चुरू राजस्थान जाकर लड़की को मुक्त करवाया और कथित पति सहित जीजा को लेकर हनुमना लाकर विभिन्न धाराओं में मामला पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश कर दिया गया है। तो वहीं फरार युवक की तलाश की जा रही है। एएसपी रीवा ने बताया है कि लड़की 3 दिन पहले से ही घर वालों को कॉल करके बता रही थी उसे राजस्थान में 1,80,000 में आरोपी राम बहोर विश्वकर्मा के द्वारा बेचा गया है, जिस पर परिजनों ने थाने पहुंचकर पुलिस को शिकायत दी थी। विश्वकर्मा था वो बच्ची को 2021 में लगभग दिसंबर की बात बता रही, वो बेला फुसला कर पहले भोपाल ले गया था, पर भोपाल से राजस्थान के ही एक व्यक्ति को उसने 1,80,000 रुपये में बेचना बच्ची ने बताया। बच्ची को ये बात इतने समय बाद तब पता लगी जब बच्ची घर आना चाह रही थी, और उसके बाद जब घर वालों ने बोला नहीं तुम घर नहीं जा पाओगे, और उसके पति के द्वारा ये बताया गया कि तुम्हारे इस व्यक्ति के द्वारा मुझे 1,80,000 में ये विक्रय कर दिया गया है, तुम्हारा तुमको बेच दिया गया है। तो बच्ची ने फिर फ़ोन किया घर वालों को, बताया तो घर वालों ने थाने पर आके सूचना दी, थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया और आगे की कार्रवाई की गई। इसमें अभी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें रिशपाल सिंह राठौर पिता मूल सिंह राठौर उम्र 35 वर्ष निवासी चुरू के हैं, दूसरा बजरंग सिंह इसके जीजा हैं, इनको भी गिरफ्तार किया पुलिस ने। और पुलिस ने अपराध जो कायम किया अपराध क्रमांक 96/22 इसमें 376/2 N 368/212 IPC के तहत, साथ में SC/ST एक्ट की धाराएं भी लगाई हैं, और विवेचना में इसमें और गंभीरता बरती जा रही है और विवेचना को बेहतर तरीके से करके इसमें और भी अगर कोई आरोपी पाया जाता तो उसके विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर इसमें मुख्य आरोपी फरार बताया जा रहा है। हाँ, अभी राम मोहर विश्वकर्मा जो गांव का था वो अभी नहीं मिला हुआ है, उसकी तलाश बड़ी ही तरह से की जा रही है। हालांकि लड़की को परिजनों के हवाले सौंप दिया गया है। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि युवक को भी गिरफ्तार किया जा सके। रेवा से सुभाष मिश्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।